मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का ये दिन हम लोगों के लिए एक सुवर्ण दिन है। हमेशा हिंदी विभाग, दोनों यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के लिए ये दिन हमारे लिए इतिहास का एक दिन है, क्योंकि केवल शमशेर साहब के नाम पर ये सेमिनार नहीं हो रहा है, ये सेमिनार हो रहा है हिंदी और उर्दू को मिलाने को लेकर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी से हुई थी और महात्मा गांधी जी हमेशा हिंदी के पक्ष में नहीं थे, उर्दू के पक्ष में नहीं थे, वे हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। हमेशा जीवन भर वो कहते रहे भारत की लिंगुआ फ्रांका, भारत की भाषा, देश की भाषा, राष्ट्र की भाषा वो हिंदुस्तानी होगी, और उस भाषा को आगे बढ़ाने में, उसको एक दर्जे देने में, उसको एक स्टैंडर्डाइज करने में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और उर्दू विभाग हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे कुलपति महोदय से मैं ये वादा करता हूँ और हम दिन रात काम करके बहुत जल्दी हिंदी और उर्दू की जो लेखिकाएँ हैं उनको लेकर एक राष्ट्रीय सेमिनार हम करने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर नामवर सिंह साहब को। नामवर सिंह साहब की तारीफ, उनका परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एक बात मैं यहाँ मज़ेदार बात कहना चाहूँगा। जब सेमिनार की बात उठी, लोग फ़ोन पर बात करते थे, पूछते थे और ईमेल में प्रश्न करते थे कि कौन कौन आ रहे हैं, समय की कमी ये, और कुछ मैं इस तरह का कहता था कि सब लोग आ रहे हैं, नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रोफेसर नामवर सिंह आ रहे हैं। तो सब कहते थे, एक महाराष्ट्र से एक फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि कटिमिनी तुम ऐसे कह रहे हो कि कोई नया फिल्म आता है तो लोग पूछते हैं कि उसमें स्टार कौन है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत 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 से लोग हैं लेकिन अमिताभ बच्चन है। तो मैंने कहा कि दोस्त बिल्कुल इसी तरह नामवर सिंह साहब हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया आप हमें एयर का टिकट दो या न दो लेकिन हम आ जाते हैं। सर, केवल हिंदी के लिए नहीं है, केवल उर्दू के लिए नहीं है, जैसे मैं कहूँगा, जैसे कन्नड़ राष्ट्रभाषा है, जैसे तेलुगु राष्ट्रभाषा है, उसी तरह प्रोफेसर नामवर सिंह को यदि हम कहें कि वो हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं या उर्दू के बहुत बड़े लेखक हैं, ये इतिहास को लेकर हम उपचार करेंगे। मैं कहूँगा भारत के बहुत बड़े लेखक हैं, भारत के बहुत बड़े लेखक हमारे बीच में हैं। अब देखिए, कई लोग तरसते हैं, कई लोग क्यों, मैं जीवन भर तरसता रहा नामवर सिंह को कम से कम एक घंटे के लिए हमारी यूनिवर्सिटी बुलाएं। पूरे चार दिन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। ये कहते हुए मुझे बड़ा रोमांचन हो रहा है, क्योंकि एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। कल से उनकी बात मैं सुन रहा हूँ, हमेशा वो कहते रहे, बात करते रहे, सुनाते रहे कि उर्दू और हिंदी जैसे कहीं भी ये एक भाषा नहीं है, एक संस्कृति नहीं है, वो एक, ये दो संस्कृति नहीं है, वो एक ही संस्कृति है, वो एक ही भाषा है, और लोग हमेशा उर्दू के लोग, हिंदी के लोग किस तरह इन दोनों को साथ मिलाते जाते रहे हैं। सर, आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हम सब की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल जी हैं। कहीं भी मैं विमल जी से बात मिलता हूँ, बात करता हूँ, बात होती है हम दोनों के बीच में, आप अक्सर समझिए कि जैसे भी हम मिलते हैं, इमीजिएटली वो कहते हैं कि कटिमिनी जी, वो हिंदुस्तानी को लेकर हम बात कर रहे थे ना, उसको क्या किया तुमने। मतलब उनका एक लाइफ मिशन है, लाइफ मिशन है। आप इसी मेंबर हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में,
वहाँ भी आपने कोशिश की, वहाँ हिंदुस्तानी विभाग खोलने का योगदान आपका रहा है, उसको हम जानते हैं, और लगातार आप हिंदुस्तानी को लेकर बात करते रहे। आप उर्दू के भी बड़े अच्छे जानकार हैं, हिंदी के बड़े लेखक हैं ही। तो मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रोफेसर अमीना किशोर साहिबा हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शिका हैं। उसके पहले मैं डीन था, मैं कहा करता था मैं नाम के वास्ते डीन हूँ, आप हमारे डीन हैं, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शन है, आपकी जो तरबियत हुई है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इतने बड़े विश्वविद्यालय में, उस तहजीब को लेकर आप हमारे विश्वविद्यालय में आई हैं, और हमेशा आप हमारे मार्गदर्शन करती रहेंगी। मैं हिंदी विभाग और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जब से ये बात चली कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और हम दोनों मिलकर सेमिनार करने जा रहे हैं, इमीजिएटली उन्होंने कहा कटविंद साहब आप जरूर करिए, जो चाहिए आप यूनिवर्सिटी से ले लीजिए। मैं थोड़ा हिचकते हुए मैंने पूछा सर 1,00,000 रुपये चाहिए, बस इतना ही। उनका एक अजीब बहुत प्यारा स्टाइल है, उस स्टाइल में उन्होंने पूछा बस इतना ही, चलो ले लो, और आपने सैंक्शन किया। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे विशी साहब केवल मार्गदर्शक ही नहीं है, बहुत बड़े ऑडिट ऑफिसर भी हैं। इनसे पैसा लेना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन लेकिन बड़े प्यारे ढंग से आपने इमीजिएटली पैसा दे दिया, और गेस्ट हाउस का मैंने कहा कि सर हमें पूरा गेस्ट हाउस चाहिए, गेस्ट हाउस की साहब यहाँ बैठी हैं, पूरा गेस्ट हाउस का हमें पूरा वातावरण कहिए, जैसे हिंदी का वातावरण हम बोलते हैं ना, इस तरह का दे दिया। और आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहें। मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और हिंदी विभाग हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में मुंबई से प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी साहब हैं। मैं कल कह रहा था कुछ हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं, वो उर्दू पढ़ाते होंगे या हिंदी पढ़ाते होंगे या अमीना किशोर साहिबा की तरह अंग्रेज़ी पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की हमेशा दिल में इस तरह की बात होती है कि कैसे हम भाषाओं को जोड़ें, कैसे हम लोगों को जोड़ें, कैसे हम साहित्य को जोड़ें। और इस तरह जोड़ने वालों में प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी साहब प्रमुख हैं। मैं दलवी साहब का तहे दिल से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी 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 दलवी साहब हैं, आप हमारे ईसी मेंबर हैं, देश के जाने माने लिंग्विस्ट हैं। प्रोफेसर, अब देखिए राधेश्याम शुक्ल जी को मैं प्रोफेसर कहने लगा। डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी स्वतंत्र वार्ता के संपादक हैं। आप जानते हैं कि स्वतंत्र वार्ता की जो रूपरेखा आपने जो संभाला उसके बाद जो बदल गई है, आप हमारे बीच में हैं, आपका मार्गदर्शन हमारे साथ है। मैं विश्वविद्यालय और प्रचार सभा की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ प्रोफेसर के आर इकबाल अहमद साहब हैं, अलीगढ़ के प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब हैं, हमारे एफओ साहब ईश्वरय गारू हैं, फारूकी साहब हैं हमारे बीच में, प्रोफेसर रहमतुल्ला साहब हैं डीन साहब, प्रोफेसर बछौतिया जी हैं दिल्ली से आए हुए हैं, प्रोफेसर सत्यकाम जी हैं इग्नू के प्रोफेसर, वहाब कैसर साहब हैं हमारे सीनियर प्रोफेसर, और डॉक्टर हसीबुद्दीन खादरी साहब हैं अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर शाहिदा साहिबा हैं, प्रोफेसर खालिद सईद साहब हैं, प्रोफेसर जफरुद्दीन जो हमारे प्रोक्टर साहब हैं, डॉक्टर अब्बास खान, डॉक्टर रामाराव साहब,
प्रोफेसर किशोरीलाल व्यास जी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आप विश्रांत प्राध्यापक हैं, और डॉक्टर राजीव लोचन शुक्ला जी अलीगढ़ से पधारे हैं, प्रोफेसर सिद्दीकी जी हमारे बीच में थे, प्रोफेसर सुनीता मंजन बैल जी एर्नाकुलम से आई हैं, डॉक्टर आलोक पांडे जी हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर अमर ज्योति जी धारवाड़ से आई हैं, और डॉक्टर नसीमुद्दीन फरीद साहब हमारे बीच में हैं, डॉक्टर अजीम साहब हैं। आप सबको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की ओर से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मीडिया के दोस्त लोग आए हैं और अन्य विभाग के प्राध्यापकगण आए हैं, अन्य कॉलेजों से, अन्य राज्यों से, विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र से हमारे दोस्त लोग जो आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जहां तक हो सके दो दिन आपके लिए जो आवश्यकताएँ हैं, जो कंफर्ट्स हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय की ओर से हम देने की कोशिश करेंगे। आप यहां तक पधारे, दो दिन हमारे बीच में रहेंगे, आपकी बातें सुनने के लिए हम उत्सुक हैं, तैयार हैं। आप हमारे विश्वविद्यालय के इस शांत वातावरण को, सुंदर माहौल का आप लुत्फ उठाएँ, इसका आप रुचि ले लें और हमारे बीच में रहे, हमारा मार्गदर्शन करें। इन चंद बातों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके बाद थोड़ी देर हम बैठेंगे, उसके बाद हम सब गेस्ट हाउस की ओर जाएंगे, उसके बाद खाने के बाद, लंच के बाद अगेन सत्र शुरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।